अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। क्या बोलती है पब्लिक? आज हम लोग हैं मुमरा के मोमिन ब्रदर्स गोट फार्म पे, जो सैफ भाई का है। अस्सलाम वालेकुम सैफ भाई। वालेकुम सलाम भाई। सैफ भाई कैसे हो? सब ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि हम लोग दूसरे तीसरे फार्म पे जाते हैं, तो मौला भाई चलो सैफ भाई के भी फार्म पे जाएंगे, ठीक है? ये हमारे भाई है। मौला भाई हर गोट फार्म को हम लोगों को प्रमोट करना है, तो हम लोग मैं आया था मौला, चलो यहाँ पर भी दानिश भाई के पास आया था मौला, चलो तुम्हारी भी वीडियो बना देता हूँ। तो मोस्टली अपना कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है सैफ भाई? पलाई क्या ट्रेडिंग भी चल रही है साथ में? पलाई और भराई कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उधर अंदर कुछ बड़े बकरे हैं, कस्टमर लोगों के शो नहीं करने के अभी फिलहाल, तो इसीलिए वो अंदर रखे हुए। तो पलाई का क्या कॉन्सेप्ट है अपना एग्जैक्टली? मतलब क्या पलाई ले रहे हो? अंडू नॉर्मल चार्जेस ही ले रहे, मतलब अंडू 2500 अंडू। और खस्सी? खस्सी भी सेम ही ले रहे। तो उसके अंदर मतलब इंक्लूडिंग सब कुछ है, वैक्सीनेशन अलग से? इंक्लूडेड है वैक्सीनेशन। अपने पास अभी कितनी जगह रखी हुई है पलाई की? मतलब 30-40 बकरों की अंदर जाके देख सकते हैं हम लोग। मेरा क्या है, मैं डायरेक्ट रेंडमली विजिट करता हूँ, मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन जैसा है लोगों के सामने आना चाहिए। ये है बकरे के और इधर पलाई के है, ज़्यादा करके बकरियाँ भी ले रहे हो पलाई पे? बकरी भी ले रहे हो पलाई पे? और क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है ना, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये आरके गोट फार्म पहले यहाँ पर ही था जब एकदम वो स्टार्टिंग में, तो वो जगह पे आया तो पुरानी यादें भी मेरी ताज़ा हो गई है माशाल्लाह। अभी भी जगह बहुत है। और आप केजे सिस्टम बनाओगे? नवंबर में बनाएंगे केजे सिस्टम। यहाँ पर आ जाओ थोड़ा, तो वो लाइट मार रही है ना, तुम्हारा चेहरा नहीं आ रहा। नवंबर में केजे सिस्टम बनाएंगे ना, तो अभी तो खूटे के वाला सिस्टम है। तो नॉर्मली दिन में फीड कितने टाइम हो रही है? और तीन टाइम हो रही है फीड। मैं फीड के डिस्क्रिप्शन नहीं पूछूंगा, अगर कोई भी कॉन्टैक्ट करे तो आप डिटेल में बता देना उनको, टर्म्स एंड कंडीशन बता देना। आप क्या गारंटी लेते हो वज़न की या लिविंग एंड डेथ की? नहीं, वज़न की भी गारंटी लेते हो? नहीं, वो कौन लेता है वज़न की गारंटी, बता दो इसके अंदर। लिविंग एंड डेथ है भाई, देखो पहली बात तो मेड बाय अल्लाह है, सही बात, तो उसकी गारंटी और वारंटी नहीं होती, और लिविंग एंड डेथ की भी नहीं होती है। लेकिन आपके अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो हो सकता है कोई कोई ले लेता रहेगा, तो इसीलिए मैं पूछा कि भाई आप लेते नहीं ले रहे हो। तो मोस्टली अभी अपने पास कितने बकरे हैं पलाई पे? 65 बकरे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला और बरकत दे तुम्हारे काम में। मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ पर, क्या भाई देखो दूसरे भी फार्म कवर करते, नहीं तो लोग बोलेंगे भाई एनएस कवर कर ली है, अलयोम कवर कर लिया, आपने डी गोट फार्म भी पहले कवर किया है, तो सैफ भाई सामने, तो उनको क्यों नहीं कवर किए? तो मैंने इसलिए सामने से फ़ोन किया, मतलब इजाज़त है तो मैं आता हूँ और शूट कर लेता हूँ। आया हूँ तो भाई एक शूट होना चाहिए, हर किसी को प्रमोट करना मेरा काम है, बाकी रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है, हमारी कोई औकात नहीं है। मैं पलाई मैं भी करता हूँ, खुद भी करता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा करके लोगों को प्रमोट करने पे यकीन रखता हूँ कि दूसरे प्रमोट हो जाए। मेरे यहाँ पर तो ऑलमोस्ट जगह फुल ही हो चुकी है, तो दूसरे जगह पे भी चले जाए क्या, ताकि लोगों के पास ऑप्शन रहे। बहुत ऑप्शन है, मेरे पास नहीं है, दूसरे के पास नहीं है, तीसरे के पास नहीं है, चौथे के पास, तो मैं मैक्सिमम लोगों को ये कर रहा हूँ। लिवर टॉनिक कैसा देते हो? लिवर टॉनिक देते हो पलाई के? नहीं, लिवर टॉनिक दे रहे हो ना, कैल्शियम दे रहे हो, क्या टाइमिंग पे दे रहे हैं ये मैं कुछ भी नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं साइंटिस्ट नहीं बनूंगा इसके अंदर, या मैं मेरे तरफ से कुछ भी नहीं, वो ऑफ कैमरा मैं तुम्हारे साथ में डिटेल में बात करूंगा। लेकिन देते या नहीं देते, और बकरे बीमार हो गए इन केस, तो उसके बीमारी के चार्जेस आप अलग से कस्टमर से लेते हो या पलाई में इंक्लूड है? पलाई में इंक्लूड है ना। खुर कटिंग, बाल कटिंग, बाल भी, और कभी खुदा ना खास्ता सींग काटना पड़े, कभी कभी बकरों की सींग अंदर घुस जाती है, इंक्लूडेड है सब। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह खैर, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, मेरे पास बैटरी भी कम है, मेरे को शम्स भाई के पास भी जाने का, तो इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपके कारोबार में, रोज़ी रोटी में, रिज़्क में बरकत दे। मेहनत करते रहो, ईमानदारी से काम करते रहो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत देगा ज़रूर। जानवर किसी के भी कभी भी बीमार हो ना, हल्की सी बुखार भी आए, जानवर को अपडेट दो, ये कस्टमर को अपडेट दो, क्या तुम्हारा जानवर बीमार हो चुका है और ये अपडेट है, मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। बाकी देखो अपनी कोई हैसियत नहीं है, अपनी कोई औकात नहीं है, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, ठीक है? तो चलो जजाकल्लाह खैर। तो बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, गरीबों की मदद करना भूलना नहीं, अपने अम्मी अब्बा का फरमा बरदार बनो, ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाओ, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, पॉल्यूशन फ्री इंडिया, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।